हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है रटने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप। तो दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जो है क्या होती है? ऑप्शन में दिया गया बुद्धि मंद होती है, व्यक्ति पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है, व्यक्तित्व का सही रूप से विकास नहीं होता है। तो दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जो है वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, क्यों कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हुए ऊब जाते हैं, ज्ञान के बढ़ने के साथ पुस्तकें में परिवर्तन आवश्यक है, यह प्रकाशकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, यह शिक्षकों की जीवन पर्यंत अध्ययनशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान के बढ़ने के साथ पुस्तकें में परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बताना है कि शिवाजी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में, सीवनेर में। तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म जो है सीवनेर में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? ऑप्शन में दिया गया ब्राह्मिहिर, आर्यभट्ट, वानभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है, तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है? ऑप्शन में दिया गया है बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मुद्राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्राक्षस जो है किसने लिखा है? ऑप्शन में दिया गया है कौटिल्य, विशाखदत्त, कलहन, कालिदास। तो दोस्तों, मुद्राक्षस जो है विशाखदत्त ने लिखा है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है? ऑप्शन में दिया गया है यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जानने वाली बात उसकी समझ में आ रही है या नहीं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तो दोस्तों, बताना कि कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया तत्कालिक प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ नियोजन के अवसर, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को क्या आवश्यकता है? ऑप्शन में दिया गया है बच्चों को डांटना, बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चों की तुलना दूसरे से करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो लड़का का आईक्यू क्या होगा? तो लड़का की आईक्यू निकालना है। तो दोस्तों, आईक्यू निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला होता है? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो मानसिक आयु 16 दिया गया, वास्तविक आयु 25 दिया गया है, और गुणे 100 कर देंगे, 25 चौके 100, 16 चौके 64, ठीक है? तो 64 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक आरोग्यता के उद्देश्य है, तो मानसिक आरोग्यता के क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज वह है, तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाज वह है, ऑप्शन में दिया गया समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे, जो प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करे, जो समान अवसरों को मान्यता दे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में अवसरों की समानता संभव है, ऑप्शन में दिया गया बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक संस्थाओं के सभी के लिए खोलना, अधिक शैक्षिक संस्थान खोलना,
शिक्षा का लोक वित्तीकरण, शिक्षा का निजीकरण। तो दोस्तों, शिक्षा में अवसरों की समानता संभव है बिना किसी भेदभाव के, शैक्षिक संस्थाओं को सभी के लिए खोलना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ है, तो दोस्तों बताना अधिगम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्धता ज्ञान, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का पढ़ाना। तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधित है। ऑप्शन में दिया गया है माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपात, पूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बताना कि लेव वाइगोत्स्की का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, थान डाइक द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन में दिया गया है बुद्धि परीक्षण के समूह तत्व सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण के द्विकारक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण के बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शारीरिक विकास एवं बुद्धि का अर्थ है, तो शारीरिक विकास एवं बुद्धि का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया है स्वस्थ रहना, रोग मुक्त, मजबूत होना, आंतरिक एवं बाह्य विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि DOG बराबर 26 और PEN बराबर 35 है तो FOG का मान क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों FOG का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों डी का कितना होता है 4, ओ का कितना होता है 15 और जी का कितना होता है 7। अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसको बनाएंगे तो एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, ओ का 15, जी का 7। अगर दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। ठीक है, तो 28 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दी गई संख्याओं से चुनकर रिक्त स्थान में सही संख्या भरें। तो यहाँ पर सही संख्या भरना है। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो 8 और 9 में देखेंगे। तो 8 और 9 में दोस्तों, अगर 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 11 में देखेंगे तो 9 प्लस 2 करने पर 11 होता है, 11 15 में देखेंगे तो 11 प्लस 4 करने पर 15 होता है, 15 और 23 में देखते हैं तो दोस्तों 15 और 23 में देखते हैं तो कितना होता है, 8 जोड़ेंगे तो 23 होता है। ठीक है, यानी दोस्तों 1 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी अगला बार दोस्तों 16 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ जो है कहाँ से होती है। ऑप्शन में दिया गया है जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा बालक जो है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान, तर्क शक्ति, भाषिक कुशलता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है बुद्धि, वंशानुगत कारक, भौतिक वातावरण, शारीरिक कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भौतिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। तो दोस्तों कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार कैसा होगा। ऑप्शन में दिया गया है उदासीन, उत्साहित, क्रोधपूर्ण, नकारात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन में दिया गया है मातृभाषा, विदेशी भाषा, एकादमिक भाषा, मानक भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मातृभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक, जैविक, भाषाई, सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा, जैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूम की टेक्सोनॉमी
के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत है। तो दोस्तों बताना कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है असत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया यह शिखा के अंतर्गत सीखने की उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसका प्रकाशन जो है 1966 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो है 1966 में नहीं हुआ, ठीक है, 1956 में हुआ था। तो यही दोस्तों असत्य है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा में कौन सा संसाधन जो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भू जल संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। तो सीखना के संदर्भ में बताना कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है। ऑप्शन में दिया गया सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है उपलब्धि परीक्षण, नियोजन परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो शिक्षण में बताना है सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया बच्चों को गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को दंडित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। ऑप्शन में दिया गया है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2008 को। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है। तो दोस्तों भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति जो है, यानी कौन सी नीति है। ऑप्शन में दिया गया है मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कुछ छात्र चुपचाप विद्यालय से भाग जाते हैं, छात्रों की इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया जानने का प्रयास करेंगे कि वे विद्यालय से क्यों भागे, प्रधानाध्यापक को उनकी इस आदत के बारे में सूचित करेंगे, ऐसे छात्रों के माता पिता को उनके आदत के बारे में सूचित करेंगे, कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों एक कक्षा में एक छात्र शिक्षक से एक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को ज्ञात नहीं है और उसका उत्तर नहीं देता है, इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में दिया गया कुछ भी नहीं, वे समझेंगे कि प्रश्न असंबद्ध था, वे उस छात्र का परिहास करेंगे जिसने वह प्रश्न पूछा, वे समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वे समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का सही अर्थ है। तो पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया सभी पाठ्यगामी क्रियाओं का समूह, उन सभी अनुभवों का समूह जो विद्यालय छात्रों द्वारा अंतर्गर्हित किया जाना चाहता है, अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों का समूह, शिक्षण सामग्री का समूह जिसे आदि कर छात्र कक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का सही अर्थ होता है सभी पाठ्यगामी क्रियाओं का समूह, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ घटाना है, तो दोस्तों इसका मान निकालना है क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 96 बी का अर्थ क्या है भाग है तो भाग दे देंगे, 12 सी का अर्थ गुना है तो गुना करेंगे, 4 ए का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 8 करेंगे, और डी का अर्थ क्या है घटाना है, घटाव करेंगे 32। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 12 और 96 8 हो गया, और 8 गुने 4 8 चौक 32, अब प्लस 8 माइनस 32,
बत्तीस बत्तीस कट गया और नहीं बच गया आठ, तो आठ इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सी दिया गया, सी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा बताना है। तो सी, अगर दोस्तों सी और ई में देखते हैं तो सी डी ई, ठीक है, फिर ई एफ जी, जी एच आई, आई जे के, और यहाँ पर के आएगा, 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी के 11 हो गया। अब दोस्तों के बाद देखेंगे, के बाद क्या आएगा, तो के एल एम, एम आएगा, और 11 2 कितना हो गया 13, तो इसका 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 और के एम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 4 = 0 के मूलों के योग और गुणनफल क्रमशः क्या होगा। तो मूलों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योग दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब बी क्या होगा, तो बी यहाँ पर दोस्तों माइनस 8 दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 ले लेंगे, तो अगर 8 में 1 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालना यानी गुणनफल, तो गुणनफल निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, सी कितना है +4 है और ए 1 हो गया, तो इसका 4 हो जाएगा यानी 8 और 4 हो जाएगा, तो 8 4 ऑप्शन सी में दिया गया, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11 बजे वह 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों कितने बार मिनट के स्थान से दूर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 55 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन में दिया गया नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, कनिष्ठ, पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कोणार्क मंदिर को दोस्तों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में, जयपुर में। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लाइम स्टोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ओनम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो दोस्तों ओनम जो है किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ओनम जो है केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति में मोहन का स्थान दोनों छोर से 18वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों दोनों छोर से 18वां, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, तो 18 + 18 कर देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो 18 36 - 1 35, तो 35 इसका राइट आंसर सी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुने, यहाँ पर कौन सा आएगा बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ए सी में, तो ए बी सी +2 करते हैं तो सी आता है, सी डी ई इसमें भी +2 करेंगे, ई और जी में देखते हैं तो ई एफ जी इसमें भी +2, इसमें देखेंगे जी एच आई तो +2 करने पर आई आएगा। ठीक है, आई आएगा, और उसके बाद इसी प्रकार ओ क्यू में देखेंगे, क्यू एस यू के बाद +2 करेंगे तो यू एफ यू भी डब्लू होगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, यानी आई हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, फिर भी के बाद +2 लेंगे तो भी डब्लू एक्स, तो आई डब्ल्यू एक्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 4/5, 2/3 और 5/7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 4 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और 5 3 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो क्या करेंगे सभी का मान चेंज कर लेंगे, यानी 12 हो जाएगा विक्रय मूल्य और 9 हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, यानी सीपी हो जाएगा 9 और एसपी हो जाएगा 12। ठीक है,
अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसमें लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ दोस्तों 3 का हो रहा है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल, क्रयमूल 9 है, 3 3 9, अब 100 बटा 3 33.1/3% हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में हैं, यदि उनका लस 468 हो तो उनका मस क्या होगा, मस निकालना है। अब दोस्तों दो संख्या दिया गया है, अनुपात में दिया गया 6:13, ठीक है, तो माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या 6x हो जाएगा, और दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 13x हो जाएगा, मस कितना हो जाएगा, तो मस दोस्तों x हो जाएगा। ठीक है, लस दिया गया है, फार्मूला तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस, ठीक है, तो दो संख्या दिया गया 6x गुने 13x, ठीक है, बराबर लस 468 और मस x, x x कट गया। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 6, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, लेंस जो किनारे की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें कौन सा लेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है किनारे की तुलना में बीच में पतला होता है, यानी इस प्रकार होता है, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो है इस प्रकार होता है, यानी बीच में जो है मोटा होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है, निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।